प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। क्या खुशी के साथ है प्रभु के साथ चलने की अनुभव आपको अच्छा लगता है? प्रतिदिन परमेश्वर के बाट जो के प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा प्रचार को सुन लिए, परमेश्वर बात कर लिया है, ऐसे आपको संतुष्ट नहीं होना। प्रतिदिन भोर में उठ के परमेश्वर के वेदी के पास जाके प्रार्थना करना है, अध्ययन करना है, यही प्रभु आपसे चाहते हैं। हो सकता है आपके दिन में बहुत ही मन दुख के साथ कभी कभी निराश होने से प्रार्थना नहीं करते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी समस्या से दबने से बहुत निराश हो जाते हैं ना, ऐसे महसूस करते हैं ना, उस प्रकार के समय में वो हमसे बात करेंगे। वो हमारा पास आके कहेगा, क्यों निराश में है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना, ऐसे कहेगा। वैसे ही बगल में आके आज एक वचन को देता है, क्या है, यशाया 41वां अध्याय 10वां वचन में, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, क्यों निराश हो बेटी, क्यों चिंता करता है बेटा, मैं तुम्हारे संग हूं, निराश नहीं होना, तू हियाव बांधो, इसके बारे में चिंता नहीं करना, अपने आप को दृढ़ रहना, सहायता करूंगा, मदद करूंगा, उचित समय में सहायता करने वाला परमेश्वर मैं हूं, है ना। कौन सी बात में मदद, पढ़ाई में, बिजनेस में, कार्यों में, किस बात में आपको मदद चाहिए, क्या आपको चाहिए, कौन सा सहायता चाहिए, मैं हूँ सहायता करने के लिए, मैं तेरे संग हूँ ना सहायता करने के लिए, क्यों घबराते हैं, मनुष्य मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए मदद करने के लिए हमेशा तेरा साथ हूँ ना। वो कहता है डरो मत, आज आपको परमेश्वर हियाव देता है, सहायता करने के लिए तैयार है, वो मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु से बोलिए मुझे मदद चाहिए, आज प्रभु से कहेंगे, अर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पिताजी जब मैं निराश होता हूँ तू मुझे बल देता है, प्रभु जी आज तूने मुझे बल दिया है, स्तुति करते हैं, मुझे मदद करने वाला प्रभु है, इस कार्य में मुझे मदद चाहिए बोलकर आज ये बेटा बेटी प्रार्थना करते हैं। जिस बात में सहायता के लिए वो प्रार्थना करते हैं उनके लिए मदद करके आज इनके लिए अद्भुत काम कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।